हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगी FIR क्या है, इसकी फुल फॉर्म और इसके फ़ायदे और नुकसान। फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए इसे आप पूरा देखें और लीगल अपडेट्स के लिए अलमाइटी लीगल सर्विस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेल फ्रेंड्स, FIR क्या है? किसी भी प्रकार की आपराधिक सूचना जब पुलिस को दी जाती है तो उसे FIR कहते हैं। ये सूचना लिखित होती है, ये कॉग्निजेबल मतलब गंभीर अपराध होते हैं जिसकी FIR करवाते हैं। फ्रेंड्स, FIR कंप्लीट होने पे हमें एक नंबर दिया जाता है जो FIR नंबर होता है। इसलिए पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद लिखित में जो भी लिखते हैं वो उन पर एक नंबर चढ़ाते हैं, वो लेना ना भूलें। वो एक FIR नंबर होता है, जो नंबर आपकी कभी भी आप कोर्ट जाएं या फिर उसकी ज़रूरत पड़े तो आप उस नंबर के थ्रू आपने जो भी लिखवाया था उसको आप रिकलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, में मतलब पहले आप जो पुलिस को सूचना देते हैं वो रिपोर्ट। ओके, इसके फ़ायदे। फ्रेंड्स, जब भी कोई बड़ा अपराध होता है तो उसकी शुरुआत कुछ छोटी छोटी निशानियां होती हैं, जैसे धमकी देना, किसी का रोज़ पीछा करना, किसी से लड़ाई, गाली गलौज होना। इन सब अपराधों की FIR ज़रूर करवाएं, इससे आगे नुकसान ना हो और ये कल शारीरिक नुकसान ना बने। इसलिए FIR जब लगे, आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कोई भी अपराध, या फिर आप उसको नहीं समझा सकते हैं, तो आप इसकी FIR ज़रूर करवाएं। FIR करने से आप सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि इन पे जो कार्रवाई की जाती है इससे या तो उसकी इंटेंशन पता चलती है या फिर वो अलर्ट हो जाता है कि ये इसने FIR करवाई हुई है, तो अगर वो कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ करता है कल को तो सबसे पहले इल्ज़ाम उस पर आएगा। तो इसलिए दूसरा जो XYZ जो भी आपसे लड़ता है या गाली गलौज करता है या पीछा करता है वो थोड़ा अलर्ट हो जाएगा और वो अपने इन गंदी हरकतों से पीछे हटेगा। इसलिए फ्रेंड्स, अगर कभी भी कोई भी अपराधी आपके आस पास लगी घटना घट रही है तो उसकी FIR जरूर करवाए और सुरक्षित रहें। Have a nice time, have a nice day, thank you, bye bye. Hello friends, मैं आज आपको बताऊंगी FIR क्या है, इसकी फुल फॉर्म और